इस मिलन समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष भाई जगतानंद सिंह जी कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के भावी मुख्यमंत्री और नौजवानों के आशा के किरण बिहार के विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, भाई श्याम रजक जी, महेश्वर सिंह जी, भाई बीरेंद्र जी, सुनील सिंह जी जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं बिहार के, न रहे तो हम लोग नहीं चल सकते हैं, रमा सिंह जी, अनीता जी, संगीता जी और कृष्ण कुमार जी, हम आप सब लोग आए हैं इस मिलन समारोह में भाग लेने के लिए। कृष्ण कुमार जी के साथ मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं राष्ट्रीय जनता दल के इस कार्यक्रम में और विशेष तौर से कृष्ण कुमार जी का भी स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। साथियों, कृष्ण कुमार जी, आप जो आज आए हैं भाग लेने के लिए इस मिलन समारोह में, तो बिहार के प्रतिपक्ष के विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता के नेतृत्व में नहीं आए हैं ज्वाइन करने के लिए, आप आ जाए हैं बिहार के मुख्यमंत्री ने जिसको अपना मुख्यमंत्री बिहार का मान लिया है उसके नेतृत्व में आए हैं राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन करने के लिए, जिसका नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। नीतीश कुमार जब दिल्ली गए प्रधानमंत्री के यहां तो इनके नेतृत्व को स्वीकार कर लिया और प्रधानमंत्री से कहा उन्होंने कि मैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में यहां आया हूं, इनके कहने पर आया हूं आपसे मिलने जातीय जनगणना के कार्यक्रम में। इसका मतलब कि पहले ही नीतीश कुमार ने अपनी हार मान ली है। अभी याद रखिएगा, तेजस्वी प्रसाद यादव ने केवल आज नहीं मनवाया उनसे, पिछले विधानसभा के चुनाव में भी मनवा दिया, बिहार के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के नाम पर जो इन्होंने अभियान चलाया चुनाव में 10 लाख लोगों को रोजगार देने का, और केंद्र सरकार ने फिर कहा कि हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 19 आदमी को रोजगार नहीं दिया, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव अपने एजेंडा पर बिहार के चुनाव को भटकने नहीं दिया और खींच करके बेरोजगार नौजवानों के भविष्य को दुरुस्त करने के लिए एकमात्र केंद्र बिंदु बनाया बेरोजगारी दूर करने का, जिसका नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव जो हमारे भावी मुख्यमंत्री होने वाले हैं। याद रखिएगा, तेजस्वी प्रसाद यादव कोई मामूली चीज नहीं, लोगों को लग रहा था कि बच्चा है, लेकिन इन्होंने अपने काम से प्रमाणित किया है। आज देखिए पानी इतना तेज आ गया हुआ कि पनियों स्वागत कर लगा कि जो हम कह रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व, ये भी उसने स्वीकार कर लिया है। रामा जी कर देंगे, क्योंकि दो बार हमारे संचालक गगन जी ने कहा कि जरा शॉट में मारिएगा, इसलिए हम एक बात और कह के बात बंद कर देंगे। और वो बात क्या है कि बिहार की जो सरकार है ये गिरगिट के जैसा रंग बदलती है, नाम लेती है कर्पूरी ठाकुर की, नाम लेते हैं लोहिया जी की, नाम लेते हैं अम्बेडकर साहब की और नाम लेते हैं जयप्रकाश जी की, लेकिन इसी सरकार के लोगों ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के चैम्बर से कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चित्र को दीवार से हटा करके बाहर करने का काम किया है, जिसको बिहार की जनता देख रही गंभीरता से। और इनकी बातों को ये जो नकली हाल कहने हुए हैं लोहियावादी का, कर्पूरी ठाकुर का, उसको भी समय पर बिहार की जनता जवाब देने का काम करेगी। एक बार तो कर्पूरी जी को इन्होंने
लोहिया जी को अम्बेडकर साहब को दीवार से हटाया और उसके बाद जयप्रकाश विश्वविद्यालय से छपरा से इसने हटाने का काम किया और कहा कि विश्वविद्यालय में अब पढ़ाई नहीं होगी जयप्रकाश जी की लोहिया जी की पढ़ाई में, उसी आंदोलन के उपजे हुए हैं तो याद रखिएगा। और आप तो किसान सब लोग हैं, कितने दिनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है, याद रखिएगा कि बिहार का जितना धान है पंजाब और हरियाणा जाता है, किसी को एमएसपी नहीं मिलता है और होर्डिंग जो पहले 7SC कानून था कि कोई होर्डिंग नहीं कर सकता है, संग्रह नहीं कर सकता है, जमाखोरी को रोकने के लिए जो कानून था, इस सरकार ने उस कानून को बदलने का काम किया है। यह है किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहाने वाली सरकार। आज बहुत ही विशिष्ट परिस्थिति में आप सब लोग राष्ट्रीय जनता दल के साथ आए हैं और अब तेजस्वी प्रसाद यादव के कंधे पर एक मजबूत जिम्मेवारी आने वाली है। आज चुनाव हो कल चुनाव हो, चुनाव तो होना ही है लेकिन जिम्मेवारी तेजस्वी प्रसाद यादव के कंधे पर आने वाली है। ये लालू यादव का देन है। तो हम आज इतना ही करके अपनी बात को समाप्त करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।